देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट के जैसी कचौड़ी बन के रेडी है और ये बिल्कुल खस्ती बनी है। आप इसकी आवाज़ से ही महसूस कर सकते हैं और इसका टेस्ट तो बिल्कुल मार्केट के जैसा है। तो देखिए हम इसके लिए क्या क्या मसाले लेते हैं और इन मसालों को हम कोसली पीस लेंगे ग्राइंडर में। तो ये है साबुत लाल मिर्च, इसे सौंफ है, मैंने छोटे चम्मच से एक चम्मच सौंफ लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च है, ये साबुत काली मिर्च और साबुत जीरा, और ये धनिया पाउडर है। आपके पास साबुत धनिया हो तो आप साबुत धनिया लें, नहीं था मेरे पास ये पाउडर था तो हमने पाउडर लिया। तो चलिए इसको हम कोसली पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने मसालों को कोसली पीस लिया है, ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, ये देखिए। तो अब हम इन मसालों को भुनेंगे आलू के साथ। लाई गर्म हो गया है, इसमें हम सरसों का तेल डाले हैं, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो हम देखिए राई का तड़का लगा रहे हैं। खस्ती कचौड़ी बनेगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल हलवाई के जैसा, जैसा हलवाई बनाते हैं, टेस्ट में भी वैसा ही रहेगा और खस्ता भी वैसे ही रहेगा। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें। और ये देखिए करी पत्ता है, इसको मैंने कट कर लिया फाइनली, इसको भी डाल देंगे हम। और ये देखिए जो मसाले हमने पीसे थे वो मसाले हैं, तो इसको भी हम डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम करके हमको इन मसालों को भूनना है ताकि मसाले जले ना। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भून लेते हैं। देखिए मसाले भून गए हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है हमको, एक से दो मिनट ही भूनना है। ये एक चम्मच बेसन है, इसको भी हम डाल देंगे। बेसन से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा हमारे आलू में वो तो निकल जाएगा। और इसको हम बेसन को इसके पहले डाल रहे हैं ताकि बेसन का जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए, नहीं तो बेसन आलू में बहुत कच्चा कच्चा लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके हमको भून लेना है। मैंने बॉयल आलू लिया है और इसको छिल के और इसको ठंडा कर लिया, बिल्कुल ठंडा है ये, और इसको हमको बिल्कुल फाइन मैश कर लेना है। ये देखिए मसाले हो गए हैं, दो मिनट तक हम भुने हैं इसको, बेसन भी अच्छे से भुन गया है। और अब इसमें हम आलू डालेंगे, ये देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिए हैं, डाल देंगे हम। और ये जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा नहीं है ये, और थोड़ा सा हम ये काला नमक डालेंगे। और ये चाट मसाला है, चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, ज़्यादा तीखा पसंद हो तो तीखा डालें और न क्योंकि लाल मिर्च हम पहले भी पीसे थे थोड़ा कम ही डालें। और इसको अच्छे से चला के भून लेंगे और इसमें लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से चला के हम भून लेंगे। लास्ट में हम ये गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करके धनिया मिला के हम इसको उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये भून गया है, इसको हम ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल के रख देते हैं और आटा लगा लेते हैं टक-टक। चलिए एक सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं हम उसके लिए। देखिए सबसे पहले हम ये गेहूं का आटा ले लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग से ले लें। और इसमें हम हल्का नमक डालेंगे और फिर हम दो चम्मच तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल है, और इसको हम अच्छे से मोल लगा लेंगे। इसमें आप चाहे तो अजवाइन भी ट्रस करके डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। तो चलिए हम इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं और इसमें मोयन अच्छे से दें आप ताकि आटे की एक अच्छी से ऐसी बाइंडिंग हो जाए। तो पूरा मसल मसल के हम अच्छे से मोयन डाल देंगे। देखिए एक सॉफ्ट डो लगा लिए हैं हम, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए नहीं तो कचौड़ी हमारी सही नहीं बनेगी, फट जाएगी। हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ढक के। देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है आटे को, सेट हो गया आटा, तो हम इसकी लोई लेंगे छोटी छोटी। देखिए इसको अब हम बॉल बना लिए हैं, छोटा छोटा बॉल है ये, और इसको हम ऐसे गड्ढा बनाएंगे जिसमें कि हम अपनी स्टफिंग को भर पाए। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा बॉल नहीं बनाना है हमको, जितना बड़ा आप स्टफिंग का बॉल बना रहे हैं
उतना बड़ा ही बनाना है। देखिए हम बॉल बना के रखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे ये लेंगे, एक स्टफिंग को ऐसे बॉल को रखेंगे और अच्छे से इसको हम क्लोज करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से क्लोज कर देना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकलेगी। और इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है थोड़ा सा और इसको ऐसे मोड़ देना है, बिल्कुल ना हो गया। और धीरे से हमको इसको प्रेस करना है ताकि आलू की स्टफिंग जो है साइड तक पहुंच जाए। इसको हमको बेलने का जरूरत नहीं है, हाथ से ही आप इसको ऐसे करके बना दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें हाथ से ही। और अब हम इसको साइड रख लेंगे। ऐसे ही हम सारी कचौड़ी को बना लेंगे। और हम तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, तो हमको लो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल तेल गर्म होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा बबल्स ना आए और कचौड़ी खस्ती बने। लो फ्लेम पे फ्राई करने से कचौड़ी खस्ती बनती है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे हम कर लेंगे। फिर हम आपको एक और करके दिखाते हैं। ये बॉल उठाएंगे स्टफिंग की और इसको हम अच्छे से क्लोज कर देंगे। हम चारों तरफ से अच्छे से क्लोज करके ऐसे गोल शेप दे देंगे और इसको हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि सारे तरफ स्टफिंग अच्छे से फैल जाए और थोड़ा पतला भी हो जाएगी। और ये हाथ में देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, क्योंकि उसमें जो मोयन डाले थे उससे हमारे हाथों में ये चिपक नहीं रहा है। ये देखिए तीन कचौड़ी हम रेडी कर लिए हैं, थोड़ी मोटी ही रह गई है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसके लिए मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए और एक आटा का बॉल बना के देखा इसमें डाल के, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत हल्का तेल गर्म है। ऐसे ही गर्म तेल में हमको इसको फ्राई करना है। तो एक धीरे से हम ऐसे छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे चाहिए फ्रेंड्स इसको हमको गरम, ताकि तभी खस्ती कचौड़ी बनेगी बिल्कुल दुकान के जैसी। तो चलिए इसको हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं। इसको हमको बिल्कुल भी पलटना नहीं है, टच नहीं करना है, ये थोड़े देर में अपने आप हल्के होके ऊपर आएंगे। देखिए हल्की हो रही कचौड़ी, एक साइड से हो गई है। इसको हम आहिस्ते से पलट देंगे, दोनों साइड से हमको इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। फूल भी रही है तो हम लो फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से कचौड़ी हो गई है और ये बिल्कुल खस्ती बनी है फ्रेंड्स। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। और ये देखिए फूल भी गई है अच्छे से, बिल्कुल दुकान की जैसी कचौड़ी बनी है। आप मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हो गया है अच्छे से गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेंगे और हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए ऐसे ही हम सेकेंड बैच का भी कचौड़ी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको फ्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल खस्ती है और अंदर से स्टफिंग भी बिल्कुल दिख रहा है, बहुत गर्म है अभी। आप जरूर एक बार इसको ट्राई करें फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट के जैसे है। और ये सबसे मेन बात है फ्रेंड्स कि गेहूं के आटे का बनाए बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप मैदे से बनाते हैं, मैदा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप गेहूं के आटे से ऐसे ट्राई कर सकते हैं।